हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ एक पराठा रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने आटे में गेहूं का आटा लिया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से गूंद गया। अब इसको थोड़ी देर रखने के बाद फिर इसका चलिए पराठा स्टार्ट करेंगे। ये मैंने लोई ले ली है। अब इसको सिंपली हम बेलेंगे। ये मैंने बेल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फैला देंगे और अब इसका रोल बनाएंगे। ये रोल बन गया। अब इसको थोड़ा सा फोल्ड कर करके फिर से लोई की तरह बना लेंगे। उसको फ्लैट करके फिर से एक बार बेल लेंगे। ये बेसिकली परत के लिए बनाया जाता है, ताकि परतदार बने आपका पराठा। ये मैंने बेल लिया है। अब इसको तवे पे अच्छी तरीके से पहले सेक लेंगे, सिंपली जैसे पराठा बनाते हैं। ये सिक गया है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल पर डालेंगे और इसको सिंपली पराठे की तरह ही सेक लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि एक थोड़ा सा कुरकुरा होने तक सेक लेंगे। एक के लिए मैंने रोल के लिए मैंने ये लिया है टमाटो, प्याज और हरी मिर्ची और एग फोड़ लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डालकर फेंट लेंगे। आप चाहें तो ये वेजिटेबल्स इसी में डाल के फेंट सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा पराठा सेक गया है। अब इसी में ऐड कर देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं एग और इसको फैला देंगे। कभी कभी एग फैल जाता है तवे पे, तो उसे कोई नुकसान नहीं है, उसको आप उसी में ऐड कर सकते हैं बाद में। इसको पलट देंगे। देखिएगा, ये पीछे से भी सेक चुका है और आगे से भी एग होने तक सेकेंगे। ये देखिए एग हो गया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी शेज़वान चटनी, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ये मैंने शेज़वान सॉस लिया है, शेज़वान चटनी, और इसके ऊपर जो वेजिटेबल्स कट करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसका बना देंगे रोल। ये मैंने रोल बना दिया है। अब इसको हम हरी धनिया चटनी और सॉस के साथ लगाएंगे। ये देखिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक